तो जी आज की अपनी ये वीडियो स्टार्ट हो रही है बिल्कुल रात में। आपने देख पा रहे होंगे आसपास वैसे गुप्त अंधेरा है और काफी ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स चल चुकी हैं। टाइम में अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे 10:34 हो चुके हैं। तो जी आज का वीडियो रात में बनाने का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि यहाँ पे जो आपकी हेडलाइट देगी खास करके टाटा पंच में आपको कैसी लगेगी, क्योंकि आजकल वीडियो में बहुत ही ज्यादा आपको सुनने में मिल रहा है कि भाई टाटा पंच की हेडलाइट बहुत ही ज्यादा खराब है। तो हम कुल मिला के सारा आज एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग तरह की सड़कों पे कि भाई हकीकत में टाटा पंच की लाइट इतनी ज्यादा खराब है कि आपको अपग्रेड करने की जरूरत है भी, या फिर बेकार का हवा बन रखा है कि भाई टाटा पंच की लाइट बहुत खराब है, उसे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपनी सड़कों पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा कांच को साफ कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी विजिबिलिटी भी अच्छी आए। तो जी ये इसकी लो बेम और ये है पूरी इसकी हाई बेम। अभी भाई चलते हैं, हमने गाड़ी को अभी लो बेम पे डाल रखा है और देखते हैं और बाकी सड़कों पे कैसा क्या लाइट का रिस्पॉन्स रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैमरा की कंडीशन ऐसी है कि वो नॉर्मल से थोड़ी लाइट को बढ़ा देता है, जैसे आपको शायद ऐसा महसूस होगा कि लाइट हल्की सी ज़्यादा है। भाई कुत्ता जी हट जाए यार। अब यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि ऊपर स्ट्रीट लाइट भी जल रही है और जलती हुई स्ट्रीट लाइट में लाइट गिर रही है हल्की फुल्की, और जितनी आपको कैमरा दिख रही है उससे थोड़ी सी कम ये हकीकत में है, क्योंकि कैमरा ने अपने आप को लाइट में थोड़ा अलग से एडजस्ट करा हुआ है। तो जी अगेन यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट्स का वैसे माहौल थोड़ा कम है और उस हिसाब से लाइट भी यहाँ पे अच्छी खासी दिख रही है। अभी मैं इसको हल्का सा हाई बीम करता हूँ और हाई बीम में आप जैसे देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दूर तक की बड़ी आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरह चलते हैं भाई आगे की और सड़कों पे। भाई मत भाग, मत भाग यार। ठीक भाई, तो यहाँ से हम आ गए अपनी मेन रोड पे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर हेडलाइट्स जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो थोड़ी बंद हैं और भाई आगे खैर ये मॉल की वजह से लाइट वाइट यहाँ पे ठीक ठाक है ही, पर अगर ये सारे अंधेरे को देखा जाए तब भी यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आपको आगे सड़क पे दिख रही है हाईवे में। मैं फिलहाल इसको यहाँ पर लो बे में चलाता हूँ और लो बे में अगर देखा जाए तो सिटी राइड के हिसाब से ये इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि जितना एक सड़क पे आपको गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है उतनी लाइट तो आप बड़ी ही ईजिली बड़ी आसानी से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब जो कि यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स हैं तो ऑब्वियसली यार इतना ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं पता चलेगा। आगे चलते चलिए और भी भयानक सी सड़कें आएंगी, वहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसी कैसी इसकी लाइट्स हैं। वैसे आजकल एलईडी का इतना ज्यादा ही प्रचलन हो गया है जो आंखों को अंधा तक कर देती है। ठीक, अभी मुझे ढूंढना है थोड़ा अंधेरा कि जहाँ पे मैं सही से लाइट को टेस्ट कर पाऊँ। अब वैसे तो यार ये गुजरात की कैपिटल सिटी है तो यहाँ पे सड़कों पे अंधेरा मिलना थोड़ा परेशानी वाली बात तो है, थोड़ा मुश्किल तो है, पर कोई ना यार हम भी ढूंढ लेंगे, अंधेरा कहीं तो मिलेगा। वैसे ऐसी सड़कों पे तो ये गाड़ी की हेडलाइट के साथ किसी भी गाड़ी की हेडलाइट आपको पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वैसे ही आप देखेंगे इतना चमक चौंध अपनी आराम से स्ट्रीट लाइट्स की है तो फिर ऐसे में आपकी गाड़ी की लाइट्स तो क्या ही दिखती, चाहे आपकी गाड़ी कोई भी हो। वो बात अलग है कि अगर आप LED लगवाते हैं तो दिखती है, उसका रीज़न ये है कि ऊपर येल्लो लाइट है और अगर आपकी गाड़ी में आगे व्हाइट लाइट लगेगी तो वो तो दिखना ही है। मुझे लग रहा है आगे अंधेरा है और वहाँ पे हमारा जो आज का काम है कि हम अपनी गाड़ी की लाइट्स को चेक कर पाए, ये शायद हो सकता है।
भाई ढूंढ लिया अंधेरा मैंने। ओके कहीं नहीं तो मैं यहाँ पे जाके टेस्ट कर लूंगा, वहाँ पे वैसे भी दूर तक बड़ा अंधेरा ही है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं आगे आपको है ना अंधेरा सा महसूस हो रहा होगा। अब ऐसे में आप देखिए जो भी गाड़ी की हेडलाइट है वो बड़ी आसानी से सड़क पर दिख रही है, और यहाँ पे ये लो बीम की बात है जो कि सिटी राइड में लो बीम की ही खास करके जरूरत पड़ती है। ठीक एज ऑफ दिस तो यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से आपको ऐसी कोई लाइट्स की परेशानी महसूस नहीं होने वाली। अब भाई वो बात अलग है कि बहुत सारे रिव्यूज़ में आपको देखने को मिलता होगा कि यार आपकी गाड़ी में बहुत ही पुअर हेडलाइट है और गाड़ी लेते ही चेंज करवानी पड़ेगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यार कि चलो हो सकता है अगर आपको एक्स्ट्रा ही लाइट्स की ज़रूरत है या फिर आपकी शायद आई साइड थोड़ी बहुत कमज़ोर है तो शायद आपको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़े। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे पूरा अंधेरा सा ही है, जो हेडलाइट्स आपको दिख रही हैं बिल्कुल ना के बराबर हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी सब खराब है, आपको दिख रही बेसक चलती हुई पर इनमें से ऐसा कोई खास इफेक्टिव ये हेडलाइट्स है नहीं। अब यहाँ पे आप देखो मैं आपको यहाँ पे एक बारी चलो पेड़ों की तरफ कर लेता हूँ और आपको हाई बीम भी दिखाता हूँ। वैसे रोड खाली है तो यहाँ पे गाड़ी रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए आप ये हाई बीम पे यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की लाइट आपको आगे दिख रही है, ये वाली लो बीम हो गई। तो इस हिसाब से भी अगर मैं आपको गाड़ी चला के बताऊं आगे की तरफ तो जैसे यहाँ आगे आपको अंधेरा दिख रहा है ना उस हिसाब से लाइट भी आपको ठीक ठाक दिख रही है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं है। चलिए यहाँ से मोड़ लेते हैं थोड़ी और अंधेरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं और मैं ज़्यादा लेट भी नहीं मैं घूम रहा, केवल 10:58 हुई हैं। ओके तो यहाँ पे अगेन दोबारा से भले ही लाइट है लेकिन अंधेरा अच्छा खासा है, गाड़ी में आपको लाइट दिखेगी हाई बीम पे। और ये देखिए ये सब यहाँ पे चीज़ें हैं ऐसी। अब मैं आपको उस साइड पे लेके जाता हूँ कि जहाँ पे जनरली मैं दिन में वीडियो बना रहा होता हूँ वहाँ पे कैसा अंधेरा गुप्त है, कैसे क्या वहाँ पे लाइट बननी है इसकी, ये आपको अभी पता चल जाएगी। ये आ गए हम अंधेरी गलियों में, अंकल जी यहाँ पे हैं, शायद उनको डिस्टर्ब ना करूँ मैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सामने भाई पूरा जंगल सा है, पूरे जंगल से मैं आपको हर एक पत्ता शायद आसानी से दिख रहा होगा। आप ऐसे में भाई कैसे कह सकते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि बड़ी ही आसानी से आप आगे कोई भी चीज़ें उनको देख सकते हैं, है ना। थोड़े आगे जाते हैं, अंकल जी परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनकी भी प्राइवेसी को काहे हम हल करें भंग करें। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ फिर से पेड़ों की तरफ। यस यहाँ पर कोई ऐसा ना हो अचानक से आगे चलने लगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बड़ी डिटेल बताता हूँ, अभी गाड़ी की यहाँ पे मैंने हाई बीम ऑन कर रखी है और जैसे मैं यहाँ पे लो बीम करता हूँ तो ये चलो नज़दीक में आपकी लाइट आ गई, ठीक है। अब जैसे ही दोबारा हाई बीम करते हैं तो आपको विजिबिलिटी के तौर पे इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम महसूस बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर आपने मान लो कोई ऐसी सड़क पर चल रहे हैं कि जहाँ पर बिल्कुल भी हेडलाइट है ज़्यादा, तो शायद आपको जैसे मैंने अभी बताया कि हेडलाइट्स के आसपास ये थोड़ी इफेक्टिव नहीं होती जो कि वहाँ ज़रूरत होती भी नहीं है। लेकिन अगर पूरी तरह से अंधेरा है तो हेडलाइट मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। और दो चार बार मैंने इसको हाईवे पे भी टेस्ट किया, मुझे पर्सनली ये इतनी ज़्यादा अनइफेक्टिव बिल्कुल नहीं लगी। तो नॉर्मल सी अगर मैं आपको बात बताने की कोशिश करूँ तो इतना कोई खास ज़रूरत नहीं है कि आपको आपकी गाड़ी में हेडलाइट्स को अपग्रेड करना ही पड़े, अनटिल अनलेस कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है। अब भाई अगर आपको एलईडी का शौक है, आपको ऐसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हायर लाइट आपकी गाड़ी में हो तभी आप गाड़ी चला सकते हो तो आप बेशक डलवा लीजिए। पर इतना कोई मतलब ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको गाड़ी लेते ही हेडलाइट्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो भाई ये तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही और वीडियोस को अगर आप आगे और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चलते हैं अपने लॉक की तरफ।